हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा नौवीं का है। यह सत्र 2022-23 के लिए है। आपको जो ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है स्टार्टिंग में, वह ब्रिज कोर्स के विद्यार्थी क्या कार्य पुस्तिका आपके लिए लेके आए हैं। यह मध्य प्रदेश के लिए है। इसमें आपको हम जो कार्य पत्रक है वह हल कराएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने कार्य पत्रक 6 और 7 कराए थे। यह कार्यपत्रक गुणा के हैं। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 में क्या दिया है वह देखेंगे। कार्यपत्रक 8 में जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है वह दिए गए हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 1 है, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, समझिए। कुलदीप नाम का एक लड़का है या एक व्यक्ति है जो खेत पर क्या कर रहा है, काम करता है। उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। तो आपको एक दिन के प्राप्त रुपये दिए हैं कि एक दिन में वो कितने कमा रहा है। आप देख सकते हैं एक दिन में वह 98 रुपये कमाता है, इसलिए क्या हम करेंगे 52 दिन में। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न को जमाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न को लिखेंगे। सबसे पहले हम हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे, चूँकि कुलदीप एक दिन में प्राप्त रुपये, कुलदीप को एक दिन में प्राप्त रुपये कितने हैं, 98, इसलिए कितने दिन में कह रहा है, 52 दिन में। तो 52 दिन में प्राप्त रुपये क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक दिन में प्राप्त रुपए हैं उसमें 52 दिन का गुणा कर देंगे। तो हम उसमें 52 दिन का गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, आपका 52 दिन के प्राप्त रुपए हो जाएंगे, या 52 दिन में उतने रुपए कमाएगा। तो क्या करेंगे, 98 × 52। तो 98 × 52 का गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं आपको यहाँ करके बता दी हमने, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इकाई के अंक का गुणा करेंगे। 2 का गुणा 9 में किए, 2 का गुणा 8 में किए, सॉरी 2 का गुणा हमने 8 में किए तो कितना आया, 2 8 16 की 6 हासिल का 1। फिर 2 का गुणा 9 में किए, 2 9 18 और 1 कितना हो गया, 19। 2 का गुणा किए तो कितना आया, 196 आया। इसी प्रकार फिर 5 का गुणा करेंगे। 5 किसके स्थान पर है, दाई के स्थान पर है। तो 5 का गुणा कीजिए, 5 का 8 में गुणा की, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 5 8 40 की 0। अब 0 कहाँ लिखेंगे हम, दाही के नीचे ही लिखेंगे, यहाँ पे। ये दाही में क्या है, 9 है, तो इसके नीचे 0 को लिखेंगे। तो 5 8 40 की 0 हासिल की कितनी है, हासिल की 4। अब 5 का 9 में गुणा करो, 5 9 45, 45 में कितना जोड़ देंगे, 4 46 47 48 49, तो ये 49 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे 196 में, जो आपकी नीचे राशि आई इसे जोड़ देंगे 6 में। सुन, हाँ, हमने आपको ये नहीं बताया थे कि जो 6 इकाई के अंक के नीचे कोई संख्या नहीं तो आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इकाई के नीचे कोई संख्या नहीं तो क्या लिख देंगे, 0। अब 6 में 0 जोड़े तो कितना हो गया, 6। 9 में 0 जोड़े तो 9, और 1 में 9 जोड़े तो कितना हुआ, 10। 10 की 0 हासिल का 1। 1 में 4 जोड़े तो कितना हो गया, 5। तो इस प्रकार आपने 52 का गुणा 98 में किए तो कितना आ गया, 5096 रुपये। तो प्रश्न था कि कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन में 98 रुपये प्राप्त होते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। तो आप चूँकि एक दिन में प्राप्त रुपये कितने हैं, 98, इसलिए 52 दिन में प्राप्त रुपये कितने हो जाएंगे, 5096। कितना होगा ये, 5096। तो आपका उत्तर हो जाएगा, अतः वह 52 दिन में 52 दिन काम करे तो वह 5096 रुपये कमाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। एक तो हमने आपको यहाँ पे गुणा करके बता दिए हैं, और उसका उत्तर या आपको गुणा कैसे करना है हम इस टाइप से भी आपको बता देते हैं। प्रत्येक प्रश्न में नहीं बताए, लेकिन हम ये कैसे, जैसे 98 का गुणा किस में करना है, हमें 52 में करना है। तो गुणा के नियम क्या है, इकाई के तरफ से गुणा करेंगे। तो इकाई की तरफ से गुणा करेंगे, 2 अंकों की संख्या गुणा है, तो सबसे पहले इकाई का अंक का गुणा करेंगे। इकाई में क्या है, यहाँ पे
दो है, तो दो का गुणा सबसे पहले करेंगे, दो का 8 में गुणा की 2 8 16 की 6 हासिल का 1, 2 9 18 और 1 19, 196 आ गया। फिर इकाई के नीचे आप कोई संख्या नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे, और दहाई का गुणा करेंगे, क्योंकि दहाई का गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे ही लिखेंगे, 5 का 8 में गुणा की 5 8 40 की 0 हासिल की 4, फिर 5 का गुणा 9 में की 5 9 45 और 4 कितना हो गया 49। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यहाँ कितना था 6, 6 में 0 जोड़े तो 6, अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, 6 में 0 जोड़े तो कितना हो गया 6 हो गया, 9 में 0 जोड़े तो 9, फिर 1 में 9 जोड़े तो 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 1 5 कितना आ गया आपका 5096 आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं, तो पूरे 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। प्रश्न को एक बार रिपीट फिर से करके बता रहे हैं आपको कि सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, किसने, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं, 2750 रुपये हर महीने, यानी एक महीने में उसे कितने रुपए देना है, 2750 रुपये देना है, तो 2 साल तक चुकाने, और कितने साल तक चुकाने हैं, 2 साल तक, तो 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। देखिए यहाँ पे आप महीने में वह राशि दे रही है और यहाँ वर्ष दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए कितने माह, 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल में कितने माह हो जाएंगे, एक वर्ष में 12 माह तो 2 साल में 24 माह हो जाएंगे, तो जब वह एक माह में कितने रुपये वापस कर रही है, 2750 रुपये वापस कर रही है, तो 2 साल यानी 24 माह में कितने वापस करेगी, तो हम क्या करेंगे, जो एक माह की राशि है 2750, इसमें 24 माह का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 24 माह का गुणा कर देंगे, तो किस टाइप से इसकी जबकि जमाएंगे हम, जबकि वह एक महीने में चुकाती है, कितनी राशि चुकाती है एक महीने में, 2750, तो यहाँ 2 वर्ष का है, 2 वर्ष को हमने कायम बदल दी, महीने में बदल दिए, इसलिए 24 महीने में लौट आएगी, तो क्या करेंगे हम, 2750 में 24 का गुणा कर देंगे, जब 2750 में 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 66,000 रुपये, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 2 साल पूरे होने तक वह 66,000 रुपये लौटा चुकी होगी। अब हमें क्या करना है, 2750 में किसका 24 का गुणा करना है, तो ये हमने आपको गुणा करके बताया है, 4 0 0, 4 5 20 की 0 हासिल की 2, 4 7 28 और हासिल का 2 कितना हो गया 30, 30 की 0 हासिल की 3, फिर 4 2 8, 8 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 11, तो जब हमने ये 4 का गुणा 2750 से किए तो कितना आया 11,000, फिर इकाई के नीचे आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि अब गुणा किसका कर रहे हैं हम, दहाई का गुणा कर रहे हैं, तो 2 का गुणा 0 में की तो दहाई के नीचे लिखेंगे, ये 0 लिख दी हमने, फिर 2 का गुणा 5 की 2 5 10 की 0 हासिल का 1, 2 5 10 की 0 हासिल का 1 आ जाएगा, फिर 2 का 2 में गुणा किए, 2 का 7 में 2 7 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये 15 की 5 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, इस प्रकार 2 का गुणा 2750 से की तो कितना है 5,500 आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसे जोड़ देते हैं, 0 में 0 जोड़े तो क्या आ गया 0 आया, ये 0 में 0 जोड़े 0, 0 में 0 जोड़े 0, 1 में 5 जोड़े 6, 1 में 5 जोड़े 6, इस प्रकार 2750 में 24 का हमने गुणा किए तो कितना आ गया 66,000, तो जो महिला है सुरभि नाम की महिला कितने 2 साल में 66,000 रुपये लौटा चुकी होगी। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, प्रश्न नंबर 3 में कहा है
गोपाल शहर में दूध बेचता है। गोपाल क्या करता है? गोपाल नाम का लड़का है या कोई व्यक्ति जो शहर में क्या बेच रहा है, दूध बेचता है। वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से, 1 लीटर का मूल्य कितना बता रहा है? 23 रुपये। 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। कितना लीटर दूध बेचता है? 13 लीटर। तो वह एक महीने में कितना कमाता होगा? देखिए, इसमें प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, आपको समझना है इसको। कि कह रहा है कि वह रोज, रोज यानी प्रतिदिन यानी एक दिन में 13 लीटर दूध बेचता है। किस रेट से बेचता है? 23 रुपये के रेट से। तो आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, एक दिन में कितने रुपए का दूध बेच रहा है। तो सबसे पहले आप 23 रुपये का 13 लीटर में गुणा कर दीजिए। जब 23 रुपये का 13 लीटर में गुणा कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि एक दिन में कितने रुपए का दूध बेच रहा है। तो देखिए, हम यहाँ जबकि कैसे जमा है, चूँकि एक दिन में बेचता है। तो देखिए, एक दिन में कितने लीटर बेच रहा है? 13 लीटर बेच रहा है। किस रेट से बेच रहा है? उसके रेट है 23 रुपये। तो 23 का 13 हम गुणा की तो 299 रुपये। यानी कि वह एक दिन में बेचता है कितने रुपये में, कितने रुपए का दूध बेच रहा है? 299 रुपये का। वह एक महीने में कितना कमाता है? तो अब एक महीने में, जब एक दिन में कितने रुपए का बेच रहा है? 299 रुपये का बेच रहा है ये। तो एक महीने में, अब एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में बेचता है, तो क्या करेंगे फिर? जो एक दिन के रुपए प्राप्त हुए थे उसका 30 से गुणा कर देंगे। 30 दिन में बेचता है तो 299 × 30 कर देंगे। जब 299 का 30 में गुणा करते हैं तो क्या आता है? 8,970 रुपये। यानी उसे एक महीने में कितना कमाता है? तो एक महीने में 8,970 रुपये कमाता है। अब देखिए, गुणा कैसे करना है, तो आप इधर रब कार्य करके देखेंगे। अब हमें पहाड़े तो आते नहीं हैं कि 30 का पहाड़ा हम पढ़ लें 299 बार। तो हम क्या करेंगे, इसको रब कार्य करेंगे, इस टाइप से लिख देंगे 299, 299 × 30। इस प्रकार से लिखेंगे आप ये 30। अब सबसे पहले शून्य का गुणा करेंगे। शून्य का 9 में गुणा किए 0, शून्य का 9 में गुणा किए 0, और शून्य का 2 में गुणा किए 0। शून्य का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वह संख्या शून्य हो जाती है, चाहे कोई भी संख्या हो, लाखों में क्यों ना हो। यदि उसका गुणा शून्य से हो रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इस प्रकार हमने शून्य का शून्य गुणा किए तो ये टोटल क्या आ गए आपके? शून्य आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे? दाही का अंक क्या है? 3। 3 का 9 में गुणा किए, 3 × 9 = 27 की 7 हासिल की 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दाही का गुणा कर रहे हैं तो उसका जो गुणनफल आता है वो किसके नीचे लिखेंगे? दाही के नीचे। तो ये दाही के नीचे हमने 7 लिख दिए, तो 3 × 9 = 27 की 7 हासिल की क्या आ गई? ये 2 आ गई। फिर 3 का 9 में गुणा की, 3 × 9 = 27 और हासिल का 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 28, 29। तो 29 की 9 हासिल की क्या बच जाएगी? फिर 29 की 9 यहाँ पे लिख देंगे आप। फिर हासिल की 2 बचेगी, तो हासिल का 2 लिख दिया आपने यहाँ पे। फिर 3 का गुणा 2 में किए, 3 × 2 = 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। तो ये हासिल 8 लिख दी हमने यहाँ पे। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। सुन, अब जो इकाई के नीचे कोई संख्या नहीं है, देखना यहाँ पे इकाई के नीचे हमने कुछ नहीं बताए थे, तो आपको इकाई के नीचे कट का निशान ना लगा के यहाँ पे क्या लिखना है? शून्य लिखना है। तो शून्य में शून्य जोड़े तो क्या आ गया? शून्य आ गया। फिर शून्य में 7 जोड़े तो क्या आ गया? ये 7 आ गया आपका। फिर शून्य में 9 जोड़े तो 9 आ गया। फिर 8 जैसा का वैसा आ गया आपका ये। तो जब आपने 299 में 30 का गुणा किया तो कितना आया? 8,970 रुपये। तो इस प्रकार से हम गुणा करके बता दिए आपको, और इस प्रश्न को कैसे हल करना है ये बताए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है। देखिए, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। एक दुकानदार 1 लीटर छाछ कितने रुपए में बेचता है? 11 रुपए में बेचता है। एक महीने में
वह 200 लीटर छाछ बेचता है। कितने महीने में? एक महीने में वह 200 लीटर छाछ बेचता है, तो एक महीने में वह कितना कमाता होगा? तो आपको मालूम है कि 1 लीटर का मूल्य क्या है, 11 रुपये है, इसलिए 200 लीटर छाछ का मूल्य निकाल लीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि वह एक महीने में कितना बेचता है। तो हम जबकि जमा देंगे, जबकि 1 लीटर छाछ बेचता है 11 रुपये में, इसलिए 210 लीटर छाछ बेचेगा, तो 210 गुणित क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब 210 का 11 हम गुणा करेंगे तो 2310 रुपये में बेचेगा। फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा है, चूँकि 1 लीटर छाछ बेचता है 11 रुपये में, इसलिए 210 लीटर छाछ बेचेगा, तो 210 गुणित 11 कर देंगे, और 210 का 11 हम गुणा करेंगे तो 2310 रुपये आएगा। अब गुणा कैसे करते हैं आपको, आपको यदि 11 का पहाड़ा आता है तो आप 11 का पहाड़ा पढ़ के डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे, देखिए आपको हम गुणा करके बता रहे हैं, यहाँ पे 210 गुणित 11। अब 11 का पहाड़ा आ रहा है आपको, 11 सुनम शून्य की शून्य हासिल का कुछ नहीं आएगा, 11 एकम 11 की 1 हासिल का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, इस प्रकार से क्या आ गया, 2310 रुपये। यदि आपको डायरेक्ट 11 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन आपको पहाड़े समथिंग कहाँ तक याद होना चाहिए, 20 तक पहाड़े अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि गुणा और भाग में पहाड़े बहुत अनिवार्य हैं। तो यदि मान लो आपको पहाड़े नहीं आते, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, पहले एक एक संख्या गुणा कर लीजिए, 1 का 0 में गुणा किए 0, 1 का 1 में गुणा किए 1, 1 का 2 में गुणा किए 2, फिर दाही के 1 का गुणा कीजिए, 1 का 0 में गुणा किए तो 0 किसके नीचे लिखेंगे, दाही के नीचे लिखेंगे, इकाई के नीचे ऑलरेडी 0 लगा दीजिए। अब दाही के नीचे 0 लगा दिए, 1 0 9 0 हो गया, फिर 1 का 1 में गुणा किए 1 और 1 का 2 में गुणा किए 2, और इसको हमें जब जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा, 0 में 0 जोड़े तो 0, 1 में 0 जोड़े तो 1, 2 में 1 जोड़े 3, और 2 2 जैसा का वैसा, इस प्रकार 2310 रुपये आया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी, एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। जो पानी की जो पैक बॉटल आती है आप देखते होंगे दुकान में, तो 1 लीटर की रहती है, और 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल को 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, कितना पानी खरीदता है, 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो आपको बहुत सरल प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि जब आपको 1 लीटर पैक पानी की बोतल मालूम है कितने रुपए की आ रही है, 12 रुपए की आ रही है। अब दुकानदार क्या कर रहा है, 240 लीटर पैक पानी की पानी खरीदता है, तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो कितने लीटर खरीद रहा है, 240, 1 लीटर का मूल्य मालूम है, तो आप जबकि जमा लेंगे। सबसे पहले कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले हल लिख दिया करो या उत्तर लिख दिया करो। हल लिख दिए हमने, फिर डैश दे दिए, अब हम यहाँ पर जबकि जमाएंगे, जबकि सॉरी चूँकि 1 लीटर पैक पानी, 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में आती है, इसलिए 240 लीटर पैक्ड पानी की बोतल, तो क्या होगा, 240 में 12 का गुणा कर देंगे। ये गुणा बहुत सरल है, 12 का पहाड़ा आता है, तो आप इसको बहुत आसानी से कम समय में कर लेंगे। जब देखिए 12 सुनम 0, 12 चौके 32 36, 32 24 32 36, 12 चौके 48, 48 की 8 हासिल की कितनी आ जाएगी, 4, फिर 12 का 2 में गुणा की 12 दूनी 24, और 24 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 25 26 27 28, तो कितना आ गया, 2080 आ गया, 2880 आ गया। तो यहाँ पे प्रश्न था, 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये की है, तो 240 लीटर पैक्ड पानी की बोतल कितने की हो जाएगी, 2880 रुपये की। यदि आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता, तो आप इस प्रकार से अलग से गुणा कर सकते हैं, पहले 2 का गुणा कीजिए फिर 1 का, 2 का 0 में गुणा किए 0, 2 का 4 में गुणा किए 8, और 2 का 2 में गुणा किए 4, तो 2 का गुणा 240 में किए 480 आया, फिर 1 का गुणा कीजिए, 1 का 0 में गुणा किए तो ये 0 आ गया, किसके नीचे लिखेंगे, दाही के नीचे, और इकाई के नीचे पहले 0 लगा देंगे, फिर 1 का 0 में गुणा किए तो 0, फिर 1 का 4 में गुणा किए 4, 1 का 2 में गुणा किए 2, जोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़े तो 0,
आठ में शून्य जोड़े आठ, चार में चार जोड़े आठ और दो जैसा का वैसा, इस प्रकार कितना आ गया 2880 रुपये। तो ये इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, रोहन के पास 325 पृष्ठों की किताब है। एक रोहन नाम का लड़का है, उसके पास 325 प्रश्नों की किताब है। यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हों तो बताएं किताबों की कुल पृष्ठ की संख्या क्या है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को बार बार पढ़िए, जब आपके प्रश्न समझ आ जाएगा तो आप हल आसानी से कर लेंगे। देखिए इसमें कहा है, रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है, यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हों तो बताएं किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी। तो आपको मालूम है कि एक किताब में कितने पृष्ठ हैं, 325 पृष्ठ हैं, इसलिए 12 किताब में कितने हो जाएंगे। तो हम यहाँ जबकि जमा लेंगे, हल लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि एक किताब में 325 पृष्ठ हैं इसलिए 12 किताबों में पृष्ठ होंगे। तो 325 × 12, यदि 12 का पहाड़ा आपको आता है तो सीधे 12 का पहाड़ा पढ़ के इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, नहीं आता तो आप इसको इस प्रकार से रफ कॉपी में हल कर लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ पे आंसर लिखिए। देखिए हम 12 का पहाड़ा पढ़ के डायरेक्ट बता रहे हैं, पहले 12 × 5 = 60 की शून्य हासिल की 6, 12 × 2 = 24 और 24 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 30 की शून्य हासिल की 3, फिर 12 × 12 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 और हसलाई का 3 जोड़े तो कितना हो गया 39। तो इस प्रकार 3900 पृष्ठ होंगे। यदि एक किताब में 325 पृष्ठ है तो 12 किताबों कितने पृष्ठ होंगे, 3900 पृष्ठ होंगे। यदि इस टाइप से गुणा नहीं बनता तो आप इस टाइप से गुणा कर सकते हैं, पहले 2 का गुणा कर दीजिए 325 में, 2 का गुणा 325 में करेंगे 650 आएगा, फिर 1 का गुणा 325 में किए तो 325 आया और इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 3900। नेक्स्ट और इस कार्यपत्रक का अंतिम प्रश्न, यह कार्यपत्रक 8 है और किससे संबंधित है, गुणा से संबंधित है और इसका पृष्ठ क्रमांक 19 है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं। एक दुकानदार के पास फ्रूटी के कितने बॉक्स हैं, 18 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 है, एक बॉक्स है उसमें फ्रूटियों की संख्या कितनी है 25 हो तो बताएं कुल बॉक्सों में कितनी फ्रूटी होंगी। देखिए प्रश्न को ध्यान से, हमने बार बार बोल रहे हैं कि प्रश्न को ध्यान से समझिए, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हैं 18 बॉक्स हैं और एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या कितनी है 12, एक बॉक्स उसमें फ्रूटी की संख्या कितनी 25 है, सॉरी 12 बोल दिए थे हमने, एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या कितनी है 25 है, टोटल बॉक्स कितने हमारे पास 18 बॉक्स हैं। तो कह रहा है कि तो बताएं कुल बॉक्सों में, यानी 18 बॉक्सों में कितनी फ्रूटी के पैकेट होंगे। हम जबकि जमा लेंगे, जबकि एक बॉक्स में फ्रूटी, जबकि दुकानदार के पास फ्रूटी के बॉक्स 18 हैं, हमने यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा जमा दिए हैं, जबकि एक बॉक्स में फ्रूटी कितनी है 25 है, कितनी यहाँ पे 25 लिख देंगे, इसलिए कितने बॉक्स में 18 बॉक्स में, कितने बॉक्स में निकाल लेंगे 18 बॉक्स में। तो क्या करेंगे 25 का हम 18 में गुणा कर देंगे, 25 का 18 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 450। यदि आपको 18 का पहाड़ा बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आप इस प्रकार से गुणा करेंगे, जैसे 18 × 5 क्या होता है 90 की शून्य हासिल की 9, 18 × 2 = 36 और 9 कितना हो गया 45। यदि पहाड़ा बनता है तो आपको डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 बॉक्स में कितने 450 पैकेट होंगे। तो देखिए आप 25 × 18 कर दीजिए, इस प्रकार से गुणा करके भी आप कर सकते हैं। पुनः इस प्रश्न को समझा रहे हैं, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हैं 18 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या कितनी है 25 है, जब एक बॉक्स में 25 है तो हमने यहाँ लिखने में थोड़ी मिस कर दी है, आप ध्यान देंगे एक बॉक्स में कितनी है यहाँ पे 25 है, एक बॉक्स में कितनी फ्रूटी आती हैं 25, इसलिए कितने बॉक्स में 18 बॉक्स में।
18 बॉक्स में क्या हो जाएगा, 25 × 18 बराबर 450 पैकेट आ जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 7 के साथ आपका कार्य पत्रक जो 8 था कंप्लीट हुआ। यदि ये कार्य पत्रक आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।